एलएचएस में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, मैं लिख देता हूँ ई की जगह, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, सब कुछ हमारे पास साइन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी लगा दो 1 प्लस साइन थीटा, जो आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो वही न्यूमरेटर में लोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा, इक्वल्स टू आरएचएस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो फटाफट, क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आप लोग एलएचएस, ये वाला पार्ट आपका पूरा एलएचएस बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा आरएचएस। एलएचएस में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, इसमें से न्यूमरेटर में से साइन, डिनोमिनेटर में से कॉस, एलएचएस में से न्यूमरेटर में आप साइन थीटा बाहर निकाल लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा बाहर निकाल लोगे, आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर ये जो कॉस स्क्वायर है उसके जगह पे मैं साइन स्क्वायर लगा दूं, या फिर ये जो साइन स्क्वायर है इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दोनों हम लगा सकते हैं, आप चाहे साइन को कन्वर्ट करो या कॉस को कन्वर्ट करो, आपका आंसर आना ही है। मैं कॉस को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 है, तो साइन जब ओपन ब्रैकेट करेंगे हम साइन स्क्वायर जगह पर, तब कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस, इसलिए मैं कॉस को कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, तो ऑलरेडी 10 थीटा बन ही जाने वाला है, अब इधर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे -1, समझ रहे हो बेटा, ये कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा, 10 थीटा न्यूमरेटर में एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में देख लीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 10 थीटा, ये बन गया हमारा आर एच एस, हैंस प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो बेटा कोसेक से मैं कोसेक कॉट स्क्वायर पे आ सकता हूँ, और सेक से मैं 10 स्क्वायर पे आ सकता हूँ, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या है वो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है, देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटी है, ठीक है बेटा, यही तीन आइडेंटिटी है आपको जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और आपको इसे अच्छे से याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एल एच एस में ये जो है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर है, उसे मैं एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म। और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं, प्लस अब इधर देखिए, इसमें हम लोग एक्सपांड करते हैं फिर से, इसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, ए की जगह साइन है, बी की जगह कोसेक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इधर भी वही करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये ध्यान से आप नोट करो, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं साथ में रखूँ तो क्या हो जाएगा, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। जो समझ में आ रहा है ना, हेलो, हाँ सर, अच्छा ओके फाइन फाइन। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, वन। बेटा ये क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा। आपको याद होगा कि कोसेक थीटा वो तो साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा से जब कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बचेगा, वन। अच्छा ये बताइए सेक थीटा क्या था, सेक थीटा तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन। बेटा स्टार्टिंग में हमने ये सब फॉर्मूलाज लिखे थे, ठीक है, जिसकी बुक में लिखा हुआ हो वो उसका एक पिक लेके आज प्लीज ग्रुप में डाल देना। शायद खुशी और तनुश्री के पास होंगे ये फॉर्मूला, ओके सर, या बेटा कोई डाल दे, तीर्थ आपके पास भी हो बेटा तो प्लीज डाल देना ना ग्रुप में, बाकी जो नए बच्चे उनको यूजफुल हो जाएगा, हाँ सर, ठीक है। साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की ओके जगह सर, पे वन लिख दिया हमने। अभी देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, एक कट कर देंगे बेटा, क्यों, क्योंकि देखो साइन थीटा कोसेक थीटा मतलब क्या, वन बाय साइन थीटा, दोनों कट हो गया, क्या आना है, वन ही आना है, डायरेक्टली कट कर दो, इतना लंबा स्टेप लिखने की जरूरत क्या है, कॉस और सेक थीटा कट हो गया, वन आ जाएगा। अब बचा क्या बेटा, यहां पर बचा टू और इसका भी टू, और क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक है बच्चों, कोसेक है, ठीक से लिखा नहीं है, ओके ये हो गया बेटा हमारा फाई। याद करो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर, लगा देते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा देते हैं हम लोग, वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो फाइव प्लस वन क्या हो गया बच्चों, सेवन हो गया, प्लस अब बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, पर आंसर के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इजी हो गया, समझ में आया बच्चों, फिर से एक बार यस फटाफट सर, रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो यस सर, ये वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो एल एच एस में, ठीक है, ऑटोमेटिकली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, साइन और कोसेक कट जाएंगे यहाँ पर, और कॉस और सेक भी कट जाएंगे, यहाँ पे बचा टू, यहाँ पे बचा टू, टू प्लस टू फोर हो गया, फोर प्लस वन फाइव बन जाएगा। अब बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर,
और बचा हमारे पास sec square थीटा, तो हमने sec square थीटा को क्या लिख दिया बच्चों, 1 plus tan square थीटा लिख दिया, ठीक है। 5 plus 1 plus 1 क्या हो जाएगा 7, plus tan square थीटा plus cot square थीटा equals to RHS, ठीक है बच्चों, इजी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा है sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा प्लस cot थीटा, मैं LHS इसे कह देता हूँ, ठीक है, LHS में ये पूरा लिख दूंगा। अब इससे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे, तो cosec की जगह सबको, बेटा मैंने कहा है ना सबको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये LHS को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 बाय, एक ही जगह मैं थीटा लिख दूँ चलेगा ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग यही लिखते रहना एग्जाम में, 1 बाय साइन थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा, इधर है 1 बाय कॉस थीटा, इधर भी लिख देता हूँ कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी 1 अंडरस्टूड है ना, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मुझे साइन थीटा से, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा से, न्यूमरेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से। अब नया स्टेप कैसा हो जाएगा, ये कलर बकवास है, चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, इधर भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, कुछ कटिंग शटिंग होगी बच्चों, ये हम लोग थोड़ा कट कर देंगे इसमें, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस 2 है, यहाँ पे एक, तो दो में से एक उड़ा दो, यहाँ पे साइन 1 है और यहाँ पे 2 है, दो में से एक उड़ा दो, हमारे पास फाइनली बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब RHS को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ये ले लीजिए RHS, चलिए ओके, 1 बाय, अच्छा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लेंगे हम, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो बच्चा, डिनोमिनेटर की एलसीएम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे साइन थीटा से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा साइन थीटा से, यहाँ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से। अब मेरे पास क्या बचा, देखो 1 अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, देखो अगर ऐसा होता है ए बी का अपॉन बी अपॉन सी होता है, तो ये सी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है बच्चों, तो इसका कुछ आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा बेटा RHS था, LHS क्या आया था, साइन थीटा कॉस थीटा आया था, RHS आया साइन थीटा, साइन थीटा इंटू है इंटू कॉस थीटा, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चों, इजी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 इक्वल टू है बेटा, 2 इक्वल टू है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए हम पहले इसे सॉल्व करके स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट वाले को, फर्स्ट वाले, इसे मैं कह दूंगा फर्स्ट पार्ट, इसे कह दूंगा सेकंड पार्ट, इसे कह दूंगा थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड के इक्वल बता दो, सेकंड को थर्ड के इक्वल बता दो, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो गए। चलो फर्स्ट वाला पार्ट मैं उठा रहा हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बच्चों याद करो तो क्या था यस किड्स कम ऑन, व्हाट वाज 1 प्लस 10 स्क्वायर? square. Yes, very good. Sec square theta. And what was 1 plus cot square? Cosec square theta. So I have cosec square theta. Yes. Sec square को क्या लिख सकता हूँ? 1 upon cos square theta लिख सकता हूँ। देखो बच्चों, sec theta का मतलब समझना। Sec theta क्या होता है? 1 by cos theta होता है, ठीक है। cosec theta क्या होता है? 1 by sin theta होता है, ठीक है बच्चों। sec थीटा है रेसिप्रोकल cos थीटा का, cosec थीटा रेसिप्रोकल है sin थीटा का। चलिए बताइए tan का रेसिप्रोकल क्या है? cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऐसे 1 by sin square theta। बेटा ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला cos square नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा, sin square theta upon cos square theta इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, 10 square theta। बता दिया 1 इक्वल्स टू 3 हमने बच्चों, है ना, ये प्रूव हो गया हमारा। अब इस तरफ हम लोग दूसरा लेंगे, दूसरा पार्ट उठाओ। दूसरा पार्ट क्या था? 1 माइनस 10 थीटा, मैं ए के बदले थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ए लिखने में बहुत बोरियत होती है। हाँ सर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी करके कर सकते हो, और नीचे जो कॉट थीटा दिया है उसमें आप इसे डायरेक्टली टेन थीटा कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। मैं ट्राई करता हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट करने के, राइट। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, अगर कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट कर दूंगा वो थोड़ा छोटा पड़ेगा, फिर भी मैं साइन कॉस पहले प्रीफर करूंगा, क्योंकि साइन कॉस से सॉल्व करना की आदत डालो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हमने डाल दिया होता साइन कॉस तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। हमें आइडेंटिटी याद थी बच्चों यहाँ पर, इसकी वजह से हमने फटाफट पहले आइडेंटिटी डाल दी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, 1 by sin theta upon cos theta बिग अपॉन 1 minus cos theta upon sin theta, ये हो जाएगा 1 लेंगे, ये cos इधर चला जाएगा, cos theta minus sin theta upon cos theta big upon sin theta minus cos theta upon sin theta, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होगा, चलिए समझने की कोशिश करिएगा बच्चा। ये साइन थीटा इसके पास चला जाएगा, ये कॉस थीटा इसके पास आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर आ गया बच्चों, और यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, और डिनोमिनेटर में क्या था बच्चों, कॉस थीटा नीचे आ गया था, और ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ठीक है बच्चों। ऊपर वाले ब्रैकेट में और नीचे वाले ब्रैकेट में एक ही फर्क आ रहा है, माइनस साइन का फर्क आ रहा है बच्चों। मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर अगर निकालूंगा, राउंड ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल रहा हूं, याद रखना बच्चों स्क्वायर हो रहा है, समझने की कोशिश करो बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसा है, माइनस ए था तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब लिखने जा रहा हूं मतलब माइनस ए का स्क्वायर, मैं माइनस साइन उसमें से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट के अंदर जो राउंड ब्रैकेट है ना उसके अंदर से माइनस साइन बाहर निकालूंगा, एकदम बाहर नहीं ला सकते क्योंकि दो 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 ऐसे ब्रैकेट हैं। अब समझने की कोशिश करो बेटा, देखो जब माइनस साइन मैं अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस साइन यहाँ पे माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, कॉस थीटा नेगेटिव बन जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, अपॉन नीचे का एज इट इज रखिए। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों,
मैंने क्यों साइन चेंज वेंज की, साइन बाहर निकाली ताकि ऊपर नीचे इसे मैं कट कर सकूं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अंदर बचा माइनस टेन ऑफ थीटा और बाहर बचा स्क्वायर। बच्चों माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, यस टेन माइनस टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला थोड़ा लंबा पड़ गया आपको, देखो सेकंड को भी हमने थर्ड से इक्वल बता दिया ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट को हमने बताया थर्ड से इक्वल, यहाँ पे हमने सेकंड को बताया थर्ड से इक्वल। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो है बीच वाला, इसे मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था ना, हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। बच्चों मिताली, दनिशा और भाग्यश्री बेटा सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एक ही बच्चे की आवाज आई, तीन बच्चों का नाम लिया मैंने। मिताली यू देयर बेटा, दनिशा, सर कहा ना, अच्छा दनिशा ने कहा, दनिशा ने रिप्लाई दिया, राइट ओके। बाकी बच्चे भी मुझे बताओ बेटा, तीर्थ, यस सर, अंडरस्टूड बेटा, गुड। आयुष, ओके बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसे आगे से सेकंड मेथड और बता देता हूँ, ठीक है, जो हमने दूसरा करना था। मैं देख लूँ एक बार कितने कितने बच्चे हैं, सबका एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। अब सेकंड को मैं थर्ड से इक्वल बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा मुझे दिया हुआ है होल ऑफ स्क्वायर, तो मैं टेन थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा, सॉरी कॉट थीटा की जगह पे वन बाय टेन थीटा लिख दूं, यस, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस वन बाय टेन थीटा होल ऑफ स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। वन माइनस टेन थीटा, बेटा एक ही लाइन में नहीं लिखते आना, ये गलत तरीका है लिखने का, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, और टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा आएगा, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, देखो टेन थीटा, एक काम करता हूं मैं, और इधर वन माइनस टेन थीटा, नीचे जो टेन थीटा माइनस वन है ना बेटा, उसमें से माइनस वन कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो टेन थीटा जो पॉजिटिव था अब कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और वन जो नेगेटिव था वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अब ये बाहर की तरफ स्क्वायर, बेटा ये देखो ये कट गया, आपके पास क्या बचा, टेन थीटा अपॉन माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, हमने बता दिया सेकंड को भी थर्ड से इक्वल। आगे बढ़ते हैं, जो फिफ्थ क्वेश्चन कल का था वो वापस रिपीट करूंगा मैं। चलिए ये क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ये LHS हो गया हमारा, ये पूरा हमारा LHS हो गया, इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये RHS। अब देखो बेटा यहाँ पे कोसेक लाना है, कोसेक कैसे आता है, वन को अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ तो वन दिखाई दिया, यस, इसको मैं साइन से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, और कॉट देखो कॉट कैसे आता है, कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा तब ये रहा कॉस, उसको भी साइन से अगर डिवाइड करूंगा तो आ सकता है। तो बेटा हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी, जहां चाहा डिवाइड कर दिया, जहां चाहा वहां मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सब जगह इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। आज सबका संडे मैंने खराब किया ना, इसकी वजह से लग रहा है सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। है ना, ये एकदम सही है, मतलब मैंने सही तुक्का मारा है, इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। कहीं साइड में तुम लोग कुछ और तो नहीं कर रहे हो ना,
सर नहीं सर तो जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब सही में मेरे पे गुस्सा हो क्या? नहीं सर सॉरी यार, क्या करूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है ना सर बच्चा। नहीं सर नहीं नहीं तो ऐसा नहीं, आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो उसके चक्कर में सब लोग टेंशन में हो। सर हमेशा न्यूज में बताया 500 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हजार उसमें साल क्या में पहली टेंशन। बार हो रहा है, हर साल सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स होता है उसमें ऐसा बोलते हैं, 500 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। आज दुनिया खत्म ही ओके बच्चों, हमने साइन थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह मल्टी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, जब मैं सेपरेट करूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए, और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। चलिए अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कट होके वन ही बचेगा, प्लस साइन है तो प्लस रख दी मैंने, ये माइनस साइन देखो, वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। आया बच्चा समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, देखो बेटा मुझे कोसेक और कॉट साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं कॉट और कोसेक को साथ में ले लूँ, मैं साथ में लेता हूँ कोसेक और कॉट को साथ में लेता हूँ, राइट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये माइनस वन को पीछे रख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर भी लिख रहा हूँ मैं कोसेक, नेगेटिव है नेगेटिव है, ये वाला स्टेप मुझे थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, इरेजर, जो ऊपर था वैसा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इसमें मैं ना सिर्फ अरेंजमेंट करूँगा थोड़ी सी, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को साथ में रख लो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, मैंने सिर्फ वन को शिफ्ट किया आगे पीछे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, अब मुझे आंसर न्यूमरेटर में चाहिए डिनोमिनेटर में नहीं, तो आपको याद होगी एक आइडेंटिटी बेटा, कौन सी, वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, याद आया, वन प्लस कॉट स्क्वायर हाँ इक्वल्स सर टू कोसेक स्क्वायर बेटा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इस आइडेंटिटी में, कॉट स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दे रहा हूँ, कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब वन के बदले में क्या लिख दूंगा बेटा, मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर लिख दूंगा, और फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। ये लिखेंगे हम लोग, ये देखो ये वाला एज इट इज रख रहा हूँ, कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये जो वन था उसके जगह मैंने चेंजेस किए, ठीक है। क्या मैंने लिखा उसके जगह पर, ये पूरा लिख देना है मुझे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा इतना सारा हमने ये सब किया क्यों, ताकि हम लोग कॉमन निकाल सके, और नीचे क्या है बेटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अब देखो बेटा यहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये भी देखो आपके पास कुछ ऐसा है बच्चों, ए माइनस ए बी है, क्या है, ए माइनस ए बी है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो कॉमन, ए कॉमन निकाल लोगे, इधर बचेगा वन माइनस बी, है ना, ऐसा ही कुछ लिख रहा है। देखो ये फर्स्ट टर्म, और ये पूरा है बेटा सेकेंड टर्म, इसमें से ये रहा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसमें से ये रहा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, आगे पीछे लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट के अंदर तो है ना, मैं निकाल ले रहा हूँ कॉट थीटा
प्लस कोसेक थीटा, बाहर निकाल लिया मैंने, इधर क्या बचा बेटा, ये जब चला जाएगा तो वन बचेगा बेटा, जैसे यहां से ए चला गया तो क्या बचा, वन बचा, वन माइनस, और इधर से ये पूरा चला गया बेटा, ये बटा पूरा चला गया तो ये बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अब देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इधर वन माइनस कोसेक थीटा, और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो कॉट थीटा, यस यस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अब ऊपर नीचे ये प्लस वन है बच्चा, ऊपर नीचे कुछ कट हो सकता है बेटा, ये देखो ये सेम चीज है ना, मैं इससे नीचे वाले ब्रैकेट को अरेंज करके ऊपर वाले की तरह लिख सकता हूँ, वन को अगर मैंने आगे रख दिया, वन पॉजिटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव नेगेटिव दोनों बीच में रख दिया, और कॉट थीटा को मैंने आखिरी में अगर उठा के रख दिया बेटा, चलेगा ना, ब्रैकेट तो सेम ही आ रहा है। देखो बेटा समझने की कोशिश करो, टू माइनस थ्री प्लस वन, या फिर आपके पास हो वन माइनस थ्री प्लस टू, दोनों चीज तो एक ही हो रही है ना बेटा, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, तो इसे भी मैं कट कर दूंगा, ठीक है बच्चा, समझ में आया बच्चों आपको ये, बच्चा क्या है मेरे पास, हाँ सर, ओके बच्चा मेरे पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, वेरी गुड, कोसेक थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू बच्चों आरएचएस। आज बच्चों आपको मैं ना, आज हमारी ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं बेटा, पास्ट ईयर्स के पेपर्स, वो भी साइन और कॉस वाले, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रूफ करना होता है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ओके, हम लोग पास्ट ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस वो इसके देखेंगे, ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू ऑल चिल्ड्रन।